राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद हिम्मतनगर कंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है, कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहां पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पर घर तोड़ेंगे भैया? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ कानून, बताओ उनको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं रोड पर लटा कर उनको। आस्था, आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी हिजाब पहनना? मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त, उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं। और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100-200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं? आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा, बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है, रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई है? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा आप? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या है, भाड़ में जाए? कहां से देश कौन से राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है।